और आज जो हमारे डेरिवेटिव साइड के ट्रेडर हैं उनके लिए आज की कॉल हो गई, लेकिन जो कैश में ट्रेड करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, उनके लिए आपका प्रेफर्ड स्टॉक कौन सा है? देखिए, जो जो हम लोगों ने व्यू दिया था वो थोड़ा निगेट होता हुआ दिखा है। बैंक निफ्टी नीचे खुला है, आज शॉर्ट करने जी का मन नहीं था, इसलिए मैंने प्रिसाइजली बिल्कुल फॉर दैट मैटर आप मान के चलिए, जब कभी कोई इवेंट खत्म होता है यूएस फेड पॉलिसी वगैरह, उसके इमीडिएट बाद कोई बड़ा ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ऑन द राइट साइड एक कॉन्ट्रा ट्रेड ही लेकर के चलना चाहिए, क्योंकि तो उसका बाजार एनालाइज करता है, इसका ड्यूरिंग द डे एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो देखिए, बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ गिरावट है, 51 445 475, ये बहुत बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि 51 500 के पुट राइटर का बेस है। अगर यहाँ कहीं बैंक निफ्टी अब आपको सेटल होता हुआ दिखाई दे तो आप खरीदारी कर सकते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट क्यू रहेगा आपके लिए। प्लस आप देखें 51 550 500, थोड़ा एग्रेसिव अगर आप हैं तो 51 550 590 के सपोर्ट से भी आप बैंक निफ्टी को बाय कर सकते हैं। तो ये बैंक निफ्टी के अंदर देखिए आप एक अच्छा सा ट्रैक्शन, आपको नीचे की तरफ गिरावट देखने को मिल रही है। सिमिलरली आप निफ्टी को अगर देखें तो यहाँ पर भी देखिए गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है, तो जोन वही आता है 24,100 का जोन, और सबसे बड़ा सपोर्ट मैंने आपको 23,915 993 के आसपास का बताया हुआ है। देखिए उसी जोन में आ रहा है, 24,100 के आसपास आ रहा है। अगर कहीं सस्टेन करे तो आप डिप्स पे बाय कीजिएगा, आज का दिन बेचने का नहीं है, आज एक इवेंट अनफोल्ड हुआ है, बाजार उसको समझेगा फिर उसके ऊपर रिएक्ट करेगा। नाउ देखिए, दो ट्रेड आप ले सकते हैं सत्यम जी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के हिसाब से। पहला है विजय डायग्नोस्टिक्स, देखिए बेहतरीन रिजल्ट है, आप यहाँ पर स्टॉप लॉस डालिए 930 का, टारगेट लगाइए 1180 का। आप देखिए डायग्नोस्टिक चेन्स हॉस्पिटल्स सभी के अच्छे रिजल्ट आपको आते हुए दिख रहे हैं। कैपलिन पॉइंट देखिए, यहाँ पर भी रिजल्ट अच्छे आते हुए दिखाई दिए हैं, स्टॉप लॉस लगाइए 1880, टारगेट रखिए 2400। तो ये आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी आपको मैं दे रहा हूँ, छोटी अवधि में ही ये टारगेट आपको आते हुए दिखाई देंगे।